है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो मेरे भाई लोग? आपको केडी, आपको पता है आपका भाई जो है बकचोदी फैलता रहता है अपने कस्टम रूम पे। तो आज अपन कुछ अलग तरफ का बकचोदी करेंगे, ठीक है? आपको तो पता है, आप लोगों की तरह मैं भी एक यूट्यूब का विजिटर विजिटर यानी के मतलब कि मैं भी यूट्यूब सर्व करता रहता हूँ, ब्राउज करता हूँ, मैं नया नया चीज़ एक्सप्लोर करता रहता हूँ क्योंकि मेरे कंटेंट के लिए वो चाहिए। पर आप लोग अभी मेरे को बोलोगे आपके पास क्या कौन सा कंटेंट है, आप तो दूसरे का गेम प्ले अपने चैनल पर दिखाते हो, आप कस्टम रूम करते हो। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे कस्टमर रूम में आके देखो मेरा कंटेंट क्या रहता है क्या नहीं रहता। मैं उधर कुछ कमेंट्री करता हूँ जो कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है। तो जो मेरे कंटेंट के बारे में आज कुछ बात नहीं करना, मेरे को पता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। अभी तुमको ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? तुमको जो है लाइव रोस्टिंग तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको जो लाइव रोस्टिंग जो होता है ना वो समझ में नहीं आएगा। पर मैं आज इसके बारे में नहीं, कुछ दूसरे चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना वीडियो को, कुछ दूसरे चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे आज। सॉरी मेरे भाई, इधर जो है थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में, आपको पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि इधर जो है कुछ बंदे लोग उनका जो कुछ फेस्टिवल है, बंगाली का कुछ फेस्टिवल रहता है। बेसिकली मैं बंगाल से, आपको पता ही, तो कुछ इधर जो फेस्टिवल चल रहा है, मतलब कि फेस्टिवल नहीं है, उनका कुछ फंक्शन कुछ चल रहा है, तो उनका जो है बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। मैं उनसे पूछा भी हूँ तो उन लोगों को मना कर दिया कि भाई अभी नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और वीडियो क्वालिटी की अगर बात करोगे तो मेरे पास कुछ ज़्यादा अच्छा कोई अभी कैमरा नहीं है, ठीक है ना? तो मेरे को जो मेरे वेबकैम से चलाना पड़ा, और मेरा वेबकैम उतना अच्छा नहीं है। लाइटिंग के लिए मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? अभी अभी जो मेरा घर का एक लाइट है जो मैंने सामने लगा के रखा है कि मेरे फेस पे लाइट पड़े, ताकि वो डार्क जो है वो थोड़ा सा हट जाए। और मैं इतना गोरा नहीं हूँ मेरे भाई, बहुत ही काला हूँ। तो मेरे ऊपर से बात हटाते हैं, हटते हैं मैं मुद्दे बात पे, ठीक है? मुद्दे के बाद में आते हैं अपन, आएंगे मुद्दे के बाद में। देखो अपन ट्राई करेंगे कि इसको वन कट में करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना सारा दिन बैठ के इनके ऊपर रंट करते रहूँ ना। मेरे को रेंट किसी के ऊपर नहीं करना है मेरे पास, और किसी को नेगेटिविटी या हेट नहीं फैलाना है कम्युनिटी में ना। कम्युनिटी मैं कौन सा कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ? यूट्यूब कम्युनिटी की नहीं मेरे भाई, यूथ कम्युनिटी की। क्योंकि ये यूट्यूब जो है ना, यूथ को बहुत मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट यानी कि मतलब कि सिर्फ मैनिपुलेट, ये अच्छा वर्ड नहीं होगा, मोटिवेट बोलो या फिर रास्ता दिखाना बोलो या कुछ भी बोलो, ये फिलोसोफर का काम करता है यूट्यूब जो है आजकल में, ठीक है ना? आप गेमिंग में बोलो, आप एंटरटेनमेंट सेक्टर में बोलो, आप सिंगिंग बोलो, डांसिंग बोलो, कुछ भी बोलो, यूट्यूब का यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो अभी नॉलेज का प्लेटफॉर्म है, जो बंदे को गाइड करता है। ये गाइड सबसे अच्छा वर्डिंग होगा, यूट्यूब जो है ना बंदे को गाइड करता है। तो हम लोग जो कुछ दिन से, हम लोग नहीं, मैं जो कुछ दिन से देख रहा हूँ, कुछ चुतियापा हो रहा है यूट्यूब में, ठीक है? क्या चुतियापा है मेरे पास यूट्यूब में जो है ना, अभी पॉलिटिक्स चल रहा है मेरे पास, बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स, ठीक है ना? अभी YouTube में जो रोस्टिंग का चल रहा था, मेरे को पहले पहले तुम लोगों को लग रहा था कैरी मिनाटी बहुत अच्छा रोस्टर है, ठीक है चलो मान लिया। अभी नया नया उसका जो है वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 करके वर्जन 4 करके NHR BBJ कैप्टन MD ऐसा करके करके बहुत सारे वर्जन निकले हैं। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कुछ कुछ जो है अच्छा कंटेंट देते, कुछ कुछ जो है कंट्रोवर्सी के लिए रहते, पर मेरे को उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंट्रोवर्सी करो, कोई नहीं है, बंदे कंट्रोवर्सी भी देखते, क्योंकि कंट्रोवर्सी चैनल का भी थोड़ा सा ये रहता है कि वो लोग आपस में लड़ते लड़ते एक ये को बढ़ा देते, एक चैनल को ये कर देते, मतलब कि थोड़ा सा उनका व्यूअर्स उनका भी बढ़ता है, इनका भी बढ़ता है, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है ना? कंट्रोवर्सी भी ठीक है, एक तौर पर कंट्रोवर्सी भी आम चीज़ है, चलो मानते हैं। पर अभी जो हो रहा है ना, बहुत गंदा पॉलिटिक्स हो रहा है अभी जो है, वो कंट्रोवर्सी चैनल जो है ना एक एक करके टीम अप कर रहे हैं, और रोस्टिंग चैनल जो है ना एक एक करके टीम अप कर रहे हैं। कैसे टीम अप कर रहे हैं? मान लो लिटिल पाइप, अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके सर्च करो, ठीक है? आपको मिल जाएगा, सम्राट भाई के वीडियो में मैंने देखा था लास्ट टाइम, ठीक है? उधर उन्होंने मेंशन किया था लिटिल फाइव के बारे में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके उनके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूंगा, आप जाओ उनका सम्राट भाई का वीडियो चेकआउट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, कोई नहीं, ठीक है ना? तो सम्राट भाई क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है 5 यूट्यूबर को लेके, खुद को लेके, मतलब खुद को डाल के 5 यूट्यूबर, मतलब अलग 4 यूट्यूबर को लेके 5 यूट्यूबर को लेके उन्होंने जो है टीम बना है, जिसमें से वो गलत ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है ना? अच्छा मोटिव है मेरे भाई, पर अच्छा मोटिव है। इधर भी एक पॉलिटिक्स है, आपको अगर पता नहीं है तो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ब्रांड प्रमोशन दूसरे का खराब कर रहे हैं, ठीक है ना? मैं नहीं बोलूंगा कि आप किसी भी ब्रांड को उठा के ये कर दो, पर ठीक है, आप अपना मॉरल सेट करो खुद में, दूसरे को बताने के नहीं है कि प्रो मेरा ये मॉरल है, मैं ये मॉरल रट रहा हूँ। इसका मतलब है आप कुछ अलग कर रहे हो, आप कुछ हटके कर रहे हो, आप कुछ लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो। क्या मैनिपुलेट कर रहे हो? कि दूसरे का जो ब्रांड प्रमोशन हो रहा है या दूसरे का जो घर चल रहा है उसको सपोर्ट मत करो, आप ये बोल रहे हो,
ठीक है। देखो मेरा अभी चैनल एफिलिएट नहीं हुआ, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को, तो मैं जो हूँ मैं बहुत ही संस्कारी हूँ, आपको पता है, मैं जो गाली वाली थोड़ा सा स्किप करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो जो है कुछ गाली वाली के बिना बने, ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ अच्छा मैसेज देने का कोशिश कर रहा हूँ कम्युनिटी को, कम्युनिटी मैंने यूट्यूब कम्युनिटी नहीं, यूथ कम्युनिटी को, मैं कुछ अच्छा मैसेज जो है डालने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हम मान के चलो ये जो लिटिल फाइव बन रहा है ना, ये लोग बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फैलाएंगे, इनका पॉजिटिव साइड भी आएगा, मेरे को पता है। पॉजिटिव हर एक चीज जो, हर एक कॉज जो होता है ना रियल में, उनका एक दो 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 साइड रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना। इनका नेगेटिव साइड ऐसा रहेगा कि कम्युनिटी पे जितना हेड था उससे भी ज्यादा हेड बढ़ेगा, नेगेटिविटी उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो डायरेक्ट बोल रहे हो वीडियो पे आके कि भाई हम जो है अभी गलत प्रमोशन नहीं करेंगे, और दूसरे बंदे का मैं कोई ये नहीं लेता, जिम्मा नहीं लेता, मैं जो ये चार बंदे जो मेरे साथ इनका मैं जिम्मा लेता हूँ और बाकी बंदे का मैं जिम्मा नहीं लेता। इससे आप ये प्रूव करते हो मेरे भाई कि आप जो हो, आप पांच बंदे सही हो और सारे बंदे जो है गलत थे, ठीक है। इससे जो है कम्युनिटी में बहुत सारा हेट फैलेगा, ठीक है। मैं दूसरी तरफ भी आऊंगा, मैं एक बंदे को भैया एक टीम को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, ये एक टीम को मैं अटैक नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। दूसरी तरफ जो है मान के चलो दूसरे रोस्टर जो है, मतलब कि आपका एनएचआर हंटर, आपका जो बीबीजे, आपका जो कैप्टन एमडी, आपका जो है रूट स्नाइपर, ठीक है, ये सारे जो बंदे हैं इनका एक अलग सीन है, इनमें से एक अलग लॉबी बन रहा है, एनी चेंटर क्या आपका जो है ये बीबीजे, ठीक है, और दो चार जो है यूट्यूबर्स, मतलब कि रोस्टर्स, यूट्यूबर नहीं बोलेंगे इनको, रोस्टर बोलेंगे, ये जो रोस्टर्स है ये लोग टीम अप कर रहे हैं, टीम अप नहीं, ये लोग दोस्त भी, आपस में दोस्त भी है, गलत नहीं बोलने का, ये लोग आपस में दोस्त भी है। तो ये लोग अलग से टीम अप कर रहे हैं, अलग से कम्युनिटी बना रहे हैं अपने, ठीक है, अपने आप से एक लॉबी बना रहे हैं ताकि ये लोग अपने आप को डिफेंड कर सके या अपने अपने पीछे बंदे को ला सके, ठीक है ना। ऐसे चल रहा है, मैं दो दिन से देख रहा हूँ एनएचआर हंटर का स्ट्रीम देख रहा हूँ, मैं कल से भी देखा था, कल भी देखा था, सुबह उठ के भी मैंने देखा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रीम में आके रैंडम रैंट करते हैं एक बंदे के बारे में, वो मैं आपको तो पता ही किनके बारे में बोला जाता है, चलो ठीक है आपको पता है, अगर आपको पता नहीं तो जाके एनएचआर हंटर का स्ट्रीम आप चेकआउट करो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग आके स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में आके एक बंदे के बारे में रैंट कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है। उनके मैं एक चीज अच्छा बोलूंगा एनएचआर हंटर के बारे में कि ये जो है उसको बोला है कि माँ बाप का गाली मत दो, उसको देना है तो उसको खुद से दो। तो मेरे को ये सीन जो है कुछ कन्विंसिंग लगा, ठीक है चलो बंदा जो थोड़ा सा कन्विंसिंग, पर आप जो कर रहे हो ना ब्रो, ये भी कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं जा रहा है कम्युनिटी को। ये जो आप कर रहे हो ना एनएचआर हंटर या बीबी जो भी हो, आप जो कर रहे हो ब्रो, इससे कुछ पॉजिटिव कुछ फीडबैक नहीं जा रहा है चैनल को या फिर ग्रोथ को, मतलब कि यूट्यूब कम्युनिटी को, यूट्यूब कम्युनिटी, यूथ कम्युनिटी को, जो आपको देखते हैं रैंडमली आपको फॉलो करते हैं, इनका कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे भाई, इनसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ और कंटेंट क्रिएटर हैं जो अभी कंटेंट बनाना छोड़ दिए, जो रोस्टर्स थे सो कॉल्ड रोस्टर्स, वो अभी कंटेंट बनाना छोड़ दिए, वो लाइव स्ट्रीम पे ध्यान देते या फिर दूसरा कुछ करते। तो ब्रो देखो उनके पीछे भी उंगली मत करो, उनके पीछे भी उंगली मत करो, क्योंकि देखो हर एक का लाइफ है भाई, हर एक का लाइफ है, उनको क्या करना क्या नहीं करना उनके ऊपर है। उनके पीछे भी उंगली मत करो कि आप कंटेंट क्यों नहीं बना रहे हो, कंटेंट बनाओ, आप उनके विजिटर हो, उनके फॉलोअर हो, जस्ट आप एक काम कर सकते हो, उनको अनफॉलो कर दो, उनको अनसब्सक्राइब कर दो, ये कर सकते हो, पर आप एक बंदे के पीछे मत पड़ जाओ, उनका करियर मत खराब करो या उनका जान मत खाओ, आप कंटेंट क्यों नहीं बना रहे, उनका कुछ अलग से कुछ मजबूरी होगा मेरे भाई, ठीक है। तो उनका जान मत खाओ, अगर आपको करना ही तो आप उनको अनसब्सक्राइब कर दो, और क्या करना है, अनसब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं करना है। तो बस मेरे को बस इतना ही बोलना था, ठीक है ना। मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, क्रिएटर ही बोलूंगा क्योंकि मैं खुद को क्रिएटर मानता हूँ। अगर कोई मेरे को बोलता है कि भाई आप क्रिएटर नहीं हो, तो ठीक है चलो भाई आपके लिए मैं क्रिएटर नहीं हूँ, पर मेरे लिए, मेरे खुद के लिए मैं क्रिएटर हूँ, ठीक है। जो कुछ भी बनाता है यूट्यूब पे डालता है वो क्रिएटर है, तो मैं अपने आप को क्रिएटर मानता हूँ मेरे भाई। तो मेरे साइड से बस इतना ही था, मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, और ये ऐसा सेगमेंट मैं बीच बीच में लाता रहूंगा कि मेरे मन में जो है मैं बोलूंगा, चाहे वो बंदे को अच्छा लगे कि बुरा लगे, आप चाहो तो हेड भी दे सकते हो, कोई नहीं मेरे भाई, और वीडियो मैं डालता रहूंगा, ठीक है ना। ये सब वीडियो में डालता रहूँगा क्योंकि यूथ के लिए जरूरी है। मेरे पास क्वालिटी नहीं है, मेरे पास साउंड का क्वालिटी नहीं है, मेरे पास वीडियो क्वालिटी नहीं है, मेरे पास लाइट का क्वालिटी नहीं है, चलेगा, मेरे पास जवान है मेरे भाई, मेरे पास दिमाग है और मैं आपके दिल तक पहुँच सकता हूँ, मेरे को ये पता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कैमरा फोबी हूँ, मतलब क्या कैमरा फोबिया है मेरे पास थोड़ा सा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो मेरे भाई, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते मैं जो ग्रो करूँगा, आहिस्ते आहिस्ते जो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं लंबा नहीं करूँगा, मैं वन कट में इसको खत्म करूँगा। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, और आप संस्कारी तो आपको ऐसे ही बोलेंगे अलविदा, संस्कारी रहो, संस्कारी बने रहो मेरे भाई। ओह थैंक यू फॉर द सुपर चूट,
Give me some goo. Give me some goo. Yes, yes, keep it coming. Keep it coming. I'm enjoying it, bro. Yes, lovely.